जय हिंद। हम है संतोष और फुल बॉडी वर्कआउट एट होम विद डंबल्स। यह वीडियो का टॉपिक, बात यह है कि बहुत से लोग मेरे भाई हैं, बहुत से मेरे शेर भाई हैं, वो सोचते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है भैया, हमको 15-20 मिनट टाइम है, उतने में वर्कआउट हो सकता है तो हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। तो लेकिन अब होगा वर्कआउट, क्योंकि हम ये वर्कआउट लेके आ गए हैं घर पे। 15-20 मिनट अगर कर दोगे डंबल के साथ, तुम्हारा पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा, अपने आप को मेंटेन रहोगे, हमेशा फिट महसूस करोगे और लाइफ को इसे फाड़ के फेंक दोगे, एंजॉय करोगे। बात एक, जब वीडियो शुरू कर रहे हैं हम लोग तो भागो मत, शेरो भागो मत, शेरों की तरह वर्कआउट करेंगे, फाड़ के रख देंगे। तो बिना किसी एडवेंट के लेट्स गो। ले फिर आ गए। तो गुरु, जब भी तुम वर्कआउट करोगे जो है कि चेस्ट से स्टार्ट होता है, हम लोग चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसी मसल है जो सबको चाहिए, सीना निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं पहले पुशअप, डंबल पे हाथ रख के पुशअप कर रहे हैं। चल भैया पुशअप करेंगे, तो नॉर्मल पुशअप है, हमारे शिव भाई परफॉर्म करेंगे, हमारे दोस्त मित्र, ऐसे आप कर सकते हैं। डंबल रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे फैशनबाजी है ग्रिप बनाने के लिए, आप जमीन पे भी रख के कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। बवाल मचाना काफ़ी है, आपको करना काफ़ी है, एक बार में कर सकते हो 15-20 सीलो। देखो कैसे सीलो हो रहा है, अगर ऐसे धड़ 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 मार के भाग रहे हो, काहे भाग रहे हो, टाइम देख करो ना वर्कआउट, लंटे ही करोगे तो बॉडी नहीं बनेगी, तो पता है तुमको। तो इसके 4 सेट लगाना है, और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी चेस्ट की, ऐसे डंबल लेके लेट जाएंगे। यहाँ आप देखो तौलिया फौलिया बिछा दिए हैं, अब सोचो जंगल में तौलिया कैसे आई, व्यवस्था हमारा करने का हमारा काम है ना, लेट जाओ। चलो भैया इस तरीके से पोजीशन होगा, देख सकते हो किस तरीके से, ऐसे रख लो, ये है पोजीशन तुम्हारा, ऊपर जाओ। चलो भैया अब अगर आप अगर ढीले ढीले तरीके से करोगे तो आप चेस्ट की गांड मार दोगे, आपकी चेस्ट कभी नहीं बनेगी। चेस्ट को कैसे तगड़ा बनाएं, टाइट रख एकदम कि बैंक टाइट रखा तब चेस्ट बनेगी, हमारी बात मानोगे, हम टाइट रखोगे। अब अगर लूज फूज कर रहे हो ना, तुम खुदे पता है लूज लूज करके कहाँ चेस्ट बनेगा, ढीला चीज कुछ नहीं हो, मतलब क्या होगा। इसके आप 4 से लगाओ, जैसे सिलो कंट्रोल स्क्वीज, ये 3 नियम फॉलो करो, बॉडी बनाए, किसी बाप तुमको रोक ले तुम्हारे पास आ जाए, रोक नहीं पाएगा कोई, लेकिन मन लगाओ एकदम ना, तो जल्दीबाजी नहीं, आराम से भैया ऐसे और फिर ऐसे, इसके 4 सेट लगाओ और रिलैक्स करो भैया। एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, एकदम बवाल बॉडी बिल्डर हैं, उनका नाम है अर्नोल्ड, अब काफ़ी एज हो गई उनकी, लेकिन उनके नाम ही से एक एक्सरसाइज बन गई, जिसका नाम है अर्नोल्ड प्रेस। डंबल्स हम लोग करेंगे ऐसे, जमीन बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बैठ जाओ भैया और ऐसे कर लो, हाथों ले जाकर ट्विस्ट कर दो, चलो ये ऊपर ले जाए, देखो कैसे घुमाया जा रहा है, फिर आके ऐसे ऊपर जाकर घुमा दो, गिरे जा रहे सलाम, ऐसे ऊपर जाकर घुमा दो, देख रहे हो मूवमेंट, देखो मूवमेंट, कोई लंठाई नहीं हो रही, कोई पगलाई नहीं हो रही है, सिलो किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, स्क्वीज किया जा रहा है, अब मन लगाया जा रहा है। जब तक मन नहीं लगाओगे क्या कर पाओगे, मन लगाओ, अब बवाल मजाक फेंक दो इस तरीके से। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है ना, चौफेर तुम्हारे शोल्डरवा को ट्रेन कर रही है, फाड़ के रख दे शोल्डर को, लेकिन तरीके से करोगे तब, जिस तरीके से शिव कर रहे हैं उस तरीके से आप भी करो। 4 सेट लगाओ, एक बार कितना कर सकते हो तुम जानो, कितना कर सकते हो, 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अपना जो ताकत है वो दिखाओ ना, कर बहाओ वो, ऐसे आप 4 सेट कर सकते हैं। इसका दूसरी जो एक्सरसाइज होगी, आप खड़े होकर करेंगे या बैठ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे ऐसे पोजीशन है तो साइड रेज हम लोग करेंगे। चलो बहुत लोग कहते हैं हमको चौड़े शोल्डर चाहिए, चौड़े, अगर चौड़े शोल्डर चाहिए तो ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी, चौड़े शोल्डर पाए में जो है कि फाड़ के पूरा शोल्डर इसे चौड़ा कर रख देगी। दिक्कत ये है भैया कि आप करते नहीं हो, करो ना, इस तरीके शोल्डर बना के फेंक दोगे। इसके आप लगा सकते हैं 4 सेट और रेपिटेशन 15-20, ज़्यादा नहीं, 4 सेट 15-20, रिलैक्स करो भैया। तीसर की मसल जाउन है वो है बैक, ये देखो पीछे से, तो ये जो चीज़ है ना, अगर ये मजबूत रहेगी तो ओवरऑल तुम्हारा जो लुक होगा भयानक लगेगा, आर पार तरीके से एकदम जंडाई लगोगे। तो जंडाई लगने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बैक ट्रेन करेंगे डंबल से, क्योंकि डंबल का वर्कआउट है, तो डंबल से ट्रेन करो, किससे ट्रेन करोगे भाई, उठा लो, हम लोग करें डंबल रोइंग। तो इस तरीके से आप पोजीशन ले लो, धनुष बना लो, थोड़ा धनुष देखो, धनुषिया जोन होती है इस तरीके से, तो ई वाला धनुष बनाओ, ऐसे हो जाओ। चलो नीचे देखो कैसे जाया जा रहा है, ऊपर जाके स्क्वीज, स्क्वीज का होता है बे, स्क्वीज ही होता है कि बैक में जो है ना लोड डालो, बैक को फाड़ के फेंक दो साला, और कहीं लोड जाने ही ना पाए, पूरा बैक पे लोड पड़े, इस पे लोड डाल दो, 4 सेट कर दो और फाड़ के फेंक दो बैक को। हाँ बैक तो बन गई ना तुम्हारी, लेकिन इसकी दूसरी भी एक्सरसाइज है, तो एक ही करके मत भागना, दो ही एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक चीज बोर हो जाओगे, 4 सेट इसका हो गया, दूसरी की जो एक्सरसाइज है टाइम मत वेस्ट करो, डेडलिफ्ट करेंगे, डेडलिफ्ट उठाओ भैया, डेडलिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, डेडलिफ्ट, तो हिंदी में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसका, डेडलिफ्ट है। इस तरीके से पोजीशन होगी, पहले स्टार्टिंग से ऐसे आप पकड़ेंगे, पैर थोड़ा बेंड होगा, ऊपर जाओ बैक से उठा दो, तो बैक उठा के बैक को ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बैक को कैसे स्क्वीज किया जा रहा है, सिलो नीचे स्क्वीज, ये ऐसी एक्सरसाइज है ना तुम्हारे पूरे ओवरऑल बैक को,
ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ फेंकती है। तो फाड़ फेंकने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको बारबल्स से डेडलिफ्ट करनी है। अबे डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट होती है, चाहे बारबल्स करो चाहे डंबल्स करो, चाहे 100 किलो मारो चाहे 5 किलो मारो, काम तो वही हो रहा है ना। तो हमको बैक बनाना है, ठीक है ना। हमको वहाँ पे जाके कहीं कंपटीशन नहीं खेलना है, हमको अपना फिट रहना है, इसलिए तो वीडियो है, समझ रहे हो। तो बैक तुम्हारा ट्रेंड हो गया। अब बात करेंगे बाइसेप के बारे में, यही तो मेन चीज़ है। फुलाओ भैया थोड़ा। तो ये है बाइसेप, और देखो दो अंडा इधर, एक अंडा इधर, एक अंडा इधर, और 6 रुपये का अंडा हमारे गाँव मिल रहा है। ये ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डंबल एक्सरसाइज करें। एक ऐसी एक्सरसाइज बाइसेप में ना, देखो नॉर्मली दो हेड होते हैं, एक तो हो गया शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। तो दोनों ट्रेंड करने के लिए एक एक्सरसाइज करो, जल्दी करना है ना, टाइम कम है, तो इसे करोगे रेडी। और उसके बाद हैमर लेके आएंगे, तो मतलब कर्ल फिर हैमर, डंबल कर्ल से हैमर कर्ल, दोनों कर्ल ही है, लेकिन एक है ये वाला शॉर्ट हेड के लिए, ये है लॉन्ग हेड के लिए, शॉर्ट हेड के लिए ऐसे लॉन्ग हेड के लिए। तो एक एक्सरसाइज से दोनों काम हो जाएगा। बताओ अब इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा करोगे, तो पूरा ट्रेंड हो जाएगा। आप इसके सेट कैसे लगाओगे, एक बार में 20 मान लो, फिर 20-20 के 4 मान लो, तो एक बार 4 सेट, टेंशन फ्री हो जाएगा, बाइसेप का ड्रामा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्राइसेप पे। ट्राइसेप पर ज़्यादा कुछ थोड़ी कर रहे हैं, डबल को उठाएगा ऐसे कर ले रहे हैं, तो उठा लेंगे। उठाओगे, उठ गया, दोनों हाथ से करो, दोनों हाथ से कर लो, क्योंकि एक हाथ से टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो दोनों हाथ से कर लो, बेस्ट है। एक ऐसा ट्रेन ट्रॉन कर घटाओ, क्या ड्रामा लगाना। तो इससे आपका जो ट्राइसेप है, लॉन्ग हेड बहुत ज़रूरी है, लंबा का हेड जो है, लंबा वाला वो जरूरी है, उसको ट्रेंड करोगे तभी साइज बढ़ेगा, तो इसलिए ट्रेंड हो रहा है। एक चीज़ ये बताएं गुरु, अगर तुमने ये एक्सरसाइज कर दिया ना, यू विल सी योर ट्राइसेप इज ग्रोइंग एंड योर ट्राइसेप इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। सो डोंट मिस दिस एक्सरसाइज, तो मिस ना करो, 4 सेट लगाओ तुम। और दूसरी एक्सरसाइज आ गई है डंबल किक बैक, ये ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत से चुतियाफा हो रहा है इस एक्सरसाइज में। एक गलती बता दो, अंडरबंड कैसे करते हैं, ये कुछ भी करना, पिछवाड़ा हिलाना और ये हिलाना, एक ये लंट है और दूसरी एक ऐसे खड़े होकर ही मार रहे हैं, मार की पहन के आड़ा बाड़ा बॉडी थोड़ी बनेगी, पागल हो क्या। अबे सही तरीके से एक्सरसाइज करो, फॉर्म अब संभल रहे हैं हम लोग, ये तरीका है। और ये जो तुम्हारी पूरी बाइसेप वाइसेप है, इसको फिक्स कर लो एक स्थान पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पीछे ले जाओ और आराम से आओ, ले जाके इसको फुलाए दो, टाइट करो, तो आप देखो ट्राइसेप कैसे बनता है, आड़ा बाड़ा करने से कैसे बनेगा बताओ, हमारी बात बताओ तुम, आड़ा बड़ा करने से बनेगा। अब देखो ट्राइसेप पर लोड पड़ रहा है, इसके आपको लगाना है वही 4 सेट रिपीटेशन, 12 से 15 या तो 15 से 20, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी जो है तुम एक करके भाग जाओ, एक से नहीं होगा, 15 से 20 रिलैक्स करो, भाग कह रहे हो, अभी तो अपर बॉडी ट्रेंड हो, टांग तो बची, टांग का नहीं ट्रेंड कर रहे हो। अगर तुम टांग को नहीं ट्रेंड करोगे, अपर बॉडी बना लोगे, तो एक नंबर चुतियास्टिक बॉडी तुम्हारी लगने लगेगी। तो अगर बॉडी कंप्लीट करना है तो टांग पे वर्क करो, बने ना बने वर्क करना पड़ेगा, मजबूत होना चाहिए। एक झंडू एकदम दुई कौड़ी टांग लेके घूमने से क्या फायदा है, किक तो मार नहीं पाओगे तुम बाइक की, टांग कमजोर है, और किक मारने से तुम्हें थकाई लग रही है, इसका मतलब टांग पे काम करो। कमेंट में हमको गाली दोगे उससे हमको टेंशन है, काम तो कर लो। एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे पूरा ओवरऑल टंगिया ट्रेंड हो रही है, चाहे वो आपका ग्लूट्स हो, चाहे हैमस्ट्रिंग हो, चाहे काफ्स हो, आड़ा वाड़ा कुछ भी हो, टांग में पूरा ट्रेंड हो जाएगा। चलें पोजिशन आप देख सकते हैं, डंबल स्क्वाट थोड़ा वाइड करेंगे, बाहर तरफ पैरों खोल लेंगे हम लोग, अब नीचे जाएंगे। तो इतना अगर हमने बता दिया तो आप कर लोगे क्या, मेन चीज़ तो सुनना पड़ेगा आपको। मेन चीज़ है कि घुटना जो है ज़्यादा आगे नहीं खींचना है, आगे खींच दोगे तो एकदम जो घुटना है यहाँ पे नहीं लड़कना चाहिए, सीधे होना चाहिए और 90 डिग्री तक जाना है। आप अगर सोच रहे हो कि हम नीचे जाके यहाँ मार दे धक्का, उससे तो आपकी जो घुटना है ना उसमें इंजरी होने के चांसेस बन जाएंगे, चोट वट लग जाएगा। तो सिलो करोगे तो आप ज़्यादा सेफ रहोगे, बॉडी बनती रहेगी, सेफ भी रहोगे। इसके आप लगा सकते हो एक बार में 30 के 3 सेट, या तो अपना टारगेट बनाए लो, हमको 100 बार स्क्वाट करना है, 100 बार बहुत हो जाएगा, टांग भी बन जाएगी, रिलैक्स करोगे। तो जो है कि ये था पूरा फुल बॉडी वर्कआउट जिन्होंने परफॉर्म किया, उनका नाम है शिव प्रकाश फिट क्लब, इनका एक चैनल भी है शिव प्रकाश फिट क्लब, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है लिंक, ऐसे लोगों को फॉलो करो, जाके सब्सक्राइब करो, तुम समझ रहे हो ना, हमको मत करो, इनको कर लो, क्योंकि जो अच्छा काम करता है मुझे अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।